In last lecture, what we have completed was about double circulation. That is lecture number 7. What we have completed is about double circulation and blood group, types of blood group. From lecture number 8, we will start with external structure of heart. So first of all, position. Okay, position. It is human heart is hollow, muscular, conical, pumping organ. It is situated in mid ventral side of the body. Here you can say it is mid ventral side. Okay, in the thoracic cavity. This is thorax. Okay, behind the sternum, this bone is called as sternum. Behind the sternum ke piche, in the space called as mediastinum. In the space, जो स्पेस है यहाँ पर जो स्पेस मौजूद है इट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम. ठीक है, इट लाइज स्लाइंटली टूवर्ड्स द लेफ्ट. हार्ट का जो अपेक्स होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, वो अपेक्स जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है. ठीक है, इसीलिए जो हार्ट बीट है, ज़्यादातर हम लोगों को जो हार्ट बीट है वो लेफ्ट साइड में ही फील होती है. ओके, साइज एंड शेप. इट इज कॉनिकल इन शेप, एज यू नो हार्ट इज कॉनिकल इन शेप. इट मेजर्स अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ. 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ. इट वेट्स अबाउट 300 ग्राम्स इन मेल एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल. सो इट इज सिचुएटेड ऑन मीडियास्टिनम. ओके, नेक्स्ट. दिस हार्ट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग विच इज कॉल्ड एज pericardium. This is called as pericardium. Okay, so and this pericardium is nothing but a double walled membrane. Which we call pericardium. This pericardium is divided into two layers. As you know, it is double walled layer. So there are two walls. Number one, the fibrous pericardium. Here you can see it is fibrous pericardium. Fibrous pericardium is outer tough fibrous connective tissue covering. It is a fibrous connective tissue which covers the whole heart. Second layer is serous pericardium. It is inner, here parietal layer, here you can say serous layer. These two layers are known as serous pericardium, which is inner, double layered. Now number second layer in pericardium also contains double layer. The first one is known as parietal layer. Here you can say parietal layer of serous pericardium, and the second one is known as visceral layer. Here yahan par यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज विसरल लेयर, इनर वन दिस इज. ठीक है, तो ये इनर लेयर हो गई. ठीक है, इनर कॉन्टैक्ट विद द हार्ट वॉल विच इज कॉल्ड एज ईपिकार्डियम. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज पेरिकार्डियम एंड हियर देर इज अ लेयर विच इज नोन एज ईपिकार्डियम. ईपी मीन्स अबव, कार्डियक हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम एपिकार्डियम कहेंगे. ठीक है, इन बिटवीन टू लेयर्स, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, बिटवीन द टू लेयर्स देयर इज अ गैप प्रेजेंट एंड दिस गैप इज नोन एज पेरिकार्डियल स्पेस. दिस पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, अ लिक्विड सोल्यूशन विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड विच इज अबाउट 50 ml. कितना होता है यहाँ पर, 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है. इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? इट एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर एंड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक. ओके, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड. इट एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन. ठीक है, तो दिस इज हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम. पेरी का मतलब होता है अराउंड. किसके अराउंड में? कार्डियम मीन्स हार्ट. हार्ट के अराउंड में जो लेयर होती है, दिस लेयर इज अराउंड द हार्ट एंड दिस एक्ट दिस दिस स्टार्ट्स
दिस एक मिनट हाँ ये हियर फ्रॉम हियर इट हियर एक्चुअल हार्ट स्टार्ट एंड दिस लेयर हियर दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. नाउ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स बाहर बाहर का जो स्ट्रक्चर है हार्ट का उसके बारे में देखना है. एज यू नो द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चेम्बर्स. इसको चार चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है. नंबर वन जो चेम्बर होता है वो चेम्बर कहलाता है राइट एट्रियम. ठीक है, बेसिकली हार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इस तरीके से. हार्ट को इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पहला हिस्सा राइट, पहला हिस्सा होता है लेफ्ट हिस्सा इस तरफ वाला, और इधर का होता है राइट वाला हिस्सा. ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड किया. राइट में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट में दो पार्ट होते हैं. इस तरीके से आपके हार्ट के अंदर चार चेम्बर्स बनेंगे. द फर्स्ट चेम्बर विच इज नोन एज राइट एट्रियम. हियर राइट एट्रियम, दिस ब्लू कलर्ड पार्ट इज नथिंग बट राइट एट्रियम, एंड बिलो इट दिस पार्ट इज नथिंग बट योर राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. हियर इट इज द लेफ्ट साइड, सो हियर नेम विल बी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. हियर विल बी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, नाउ देर आर सर्टन वेन्स एंड सर्टन आर्टरीज विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट. सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वर्ड जहाँ पर भी आए दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद लंग्स. इट इज रिलेटेड विद लंग्स. एज इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो हियर देर इज अ रिवर्स केस. एंड दिस राइट क्रोनरी आर्टरी, क्रोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट. ओके, देर इज नो डाउट दैट हार्ट सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी, बट फॉर हार्ट फॉर द ब्लड सप्लीमेंट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ राइट क्रोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी. सो दीज क्रोनरी आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट. ओके, लाइफ वेंट्रिकल. हियर इट इज इन्फेरियर वेना कावा. इन्फेरियर वेना कावा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वाई इट इज शोन इन ब्लू, बिकॉज दिस ब्लू कलर इंडिकेट्स ऑल दीज आर रिलेटेड विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑल दीज आर रिलेटेड विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड हियर रेड वन इंडिकेट्स, हियर रेड वन इंडिकेट्स देर इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. वट इज इम्पॉर्टेंट दैट हार्ट इज डिवाइडेड इन टू फोर चेम्बर. द फर्स्ट चेम्बर इज नोन एज राइट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. द थर्ड वन इज नोन एज राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ वन इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, राइट वाला जो हिस्सा होता है इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड पहले लंग्स के पास जाता है. लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है, वो लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद दोबारा से लेफ्ट पार्ट के पास आता है और लेफ्ट पार्ट के पास आने के बाद यहाँ से पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा ब्लड. सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विच इज एंटीरियर व्यू. इट इज एंटीरियर व्यू एंड इट इज डॉर्सल व्यू, और यू कैन से पोस्टीरियर व्यू बिहाइंड द हार्ट. ठीक है, सेम कंडीशन, सेम स्ट्रक्चर्स. इट इज अवोर्टा. हियर यू कैन से aorta is written aorta. Okay, so this is posterior view. It is heart apex, left ventricle, right ventricle, inferior vena cava, superior vena cava. These superior vena cava and inferior vena cava are the major blood veins which carries deoxygenated blood. Okay, next, human heart has four chambered. It is four chambered, two atria, or you can say atrium and two ventricles are present. Atria, they are the upper chambers. These are the upper chambers. This is atria. ठीक है, behind this will be atrium. This is atria.
left atrium, this is left atrium, and where is right? This is right atrium. Okay, so they are thin walled, small chambered. They forms a base of the heart. They forms the base of the heart. So right atrium receives deoxygenated blood in from two major veins. As I told you, from two major veins. The first one is known as superior vena cava. Here it is superior vena cava. It is major vein which carries deoxygenated blood, and inferior vena cava. Here it is inferior vena cava. This is inferior vena cava, and this is superior vena cava. These two veins are responsible for bringing the deoxygenated blood to the right atrium. Okay, left atrium receives oxygenated blood from the lungs through a pulmonary, four pulmonary veins. Here what is written? Four pulmonary veins. यहाँ पे veins लिखा है और यहाँ पे oxygenated blood लिखा हुआ है. As I told you कि pulmonary veins carries oxygenated blood, pulmonary artery carries deoxygenated blood. यहाँ पे reverse होगा. Okay, so right atrium is responsible for receiving deoxygenated blood, and left atrium is responsible for receiving oxygenated blood from four pulmonary veins, which arises from the lung. ये कहाँ से आती है? Lungs के पास से आती है, और कहाँ पर open होगी? Left atrium के अंदर open होती है. उसके बाद का part है ventricles. Ventricles are the lower chambers. They are present below the atrium. They are present below the atrium. They are large, thick walled as compared to the atriums. They are thick walled, and the left ventricle is bigger than the right one, because left ventricle is responsible for actual pumping of the blood towards the body parts. Oxygenated blood जो होता है वो left से निकल के जाता है, ठीक है. Right ventricle pumps, that is deoxygenated blood, into pulmonary aorta. यहाँ से जाता है कहाँ पर? Lungs के अंदर. वहाँ से oxygenation होगा. वहाँ से oxygenation होने के बाद फोर पल्मोनरी वेंस के जरिए वो कहाँ पर आएगा? पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा. लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद कहाँ पर आएगा? वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, विच इज ऑक्सीजन. नाउ इट इज ऑक्सीजनेटेड. सो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है. अब ये जो कनेक्शन था, ये पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए था. नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट. ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वेंट्रिकल, विच इज नोन एज क्रोनरी आर्टरीज. As you see here, the blood vessels are present. These are the blood vessels which are present on the heart. And these ventricles, or you can say these blood vessels, are nothing but they are called as coronary arteries and coronary veins. These are coronary arteries and coronary veins. There are two coronary arteries which arises from the base of the aorta. यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से निकल रही है एक हिस्सा, ये निकल रहा है एक हिस्सा, ये निकल रहा है. सो देर आर बेस ऑफ द aorta, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एंड राइट जो कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या सप्लाई करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है टू द मसल्स ऑफ द हार्ट. हार्ट को ही ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, एज इट इज़ मायोजेनिक. मायोजेनिक का मतलब होता है कि हार्ट का जो बीटिंग है वो मसल्स के जरिए होता है. दैट्स वाई ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ठीक है. So coronary veins collects deoxygenated blood from the heart muscles and forms coronary, main coronary vein called as coronary sinus, which is called as coronary sinus, and it is open into right atrium. यहाँ पर एक coronary sinus open होता है, वो जो कि directly किस में open हो रहा है? Right atrium में open हो रहा है. किस में open होगा? Right atrium में. So यहाँ से right atrium में जब open होगा तो it is deoxygenated blood. तो right atrium blood किसको भेजता है? लंग को, फॉर ऑक्सीजनेशन. तो ये लंग को भेजेगा, लंग से ऑक्सीजनेशन होगा, दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर आपका जो ब्लड है लेफ्ट से aorta के जरिए पूरी बॉडी को दे दिया जाएगा, ठीक है.